दुर्गा। नमस्ते। हाँ गुरुजी, जैसे ही हमें यकीन हुआ कि ये दुर्गा है, मैं इसे आपके पास ले आई आशीर्वाद लेने के लिए। कैसी अनोखी बात हुई है ना गुरुजी? विचित्र है, बहुत विचित्र बात है। गुरुजी, इसे आशीर्वाद दीजिए ना। आयुष्मान बाबा, आयुष्मान। मैं माँ के दर्शन करके आती हूँ। क्या बात है गुरुजी, दुर्गा के वापस आने से आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, परंतु सब कुछ ऐसा अकस्मात हो गया कि मैं समझ सकती हूँ। हमारी भी यही हालत थी, हम भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मगर मुझे खुशी है कि आखिर दुर्गा की बातों पर हम लोगों ने विश्वास कर ही लिया, वरना इसका बदला हुआ चेहरा तो 100 सवाल खड़े कर रहा था। आर्यन ने तो अभी तक इसे दुर्गा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मगर एक ना एक दिन आर्यन को दुर्गा की सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या बात है गुरुजी, आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो खुश हूं तुम लोगों को खुश देखकर दुर्गा के वापस आने पर। बस मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि आप सब लोग इसी प्रकार खुश रहें। आयुष्मान, आयुष्मान। इससे सिद्ध ये होता है कि खुशी ने जो कार्य आरंभ किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसका पहला प्रहार जो असफल हुआ है, अब दूसरा प्रहार भयंकर होगा, अति भयंकर। पर दादाजी, खुशी को कैसे पता चलेगा दुर्गा के बारे में? वो तो इतनी दूर है, और वैसे भी खुशी का यहाँ से दूर जाना ठीक ही रहा, है ना दादाजी? बिल्कुल ठीक कहा है, किंतु ये सितारे, ग्रह, नक्षत्र हमसे कितनी दूर हैं, परंतु उनका शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही रहता है। इसी प्रकार खुशी जैसी शक्तिशाली बच्ची को इस बात का हर समय पता रहेगा कब, क्या और कहां घट रहा है, चाहे वो घटना स्थल से कितनी भी दूर हो। तो क्या दादाजी, इसका अर्थ ये हुआ कि दुर्गा की किस्मत का फैसला हो चुका है, उसे एक दिन मरना ही है, चाहे वो आज हो, चाहे वो कुछ दिनों बाद हो, या कुछ महीने या शायद सालों बाद। हाँ बेटा, ये तो निश्चित है ही, किंतु जैसे खुशी एक सामान्य बच्ची जैसी नहीं है, उसी प्रकार दुर्गा भी एक साधारण लड़की नहीं है। इस चीज का आभास तुम इस बात से लगा सकती हो कि वो मौत के मुंह से लौटी है, मौत के मुंह से। माँ स्वयं ढाल बनकर आ गई दुर्गा और मृत्यु के बीच। अब दुर्गा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्वयं मृत्यु भी नहीं। जिसके सर पर मां का आशीर्वाद हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है।